today's new video. In this video, we're going to do so. पहले introduce करते हूँ. I am Krishna Mithila, welcome to channel Krish Medic. अगर आपने अब तक subscribe नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि आज से मतलब मैंने एक न्यू टाइप ऑफ वीडियो आपको बना के दिखा रहा हूँ. इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सारे ऑक्सो एसिड्स जो कि सल्फर के बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटेटिव इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो आते रहते हैं. सल्फर के ऑक्सो एसिड्स का हम फॉर्मूलाज अभी देखने वाले हैं. सो गाइस शुभकामनाएं, देर किस बात की, लेट्स जस्ट बिगिन विद इट. सबसे पहले जो हम देखेंगे सल्फर का ऑक्सो एसिड वो है सल्फ्यूरस एसिड. इसका गाइस फॉर्मूला होता है H2SO3. इजी ट्रिक, S लो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दो, हो गया. हमारे पास ऑलरेडी एक S और O जा चुका है. फिर हमें देखना है कितना ऑक्सीजन बचा है, कितना सल्फर बचा है. एक ऑक्सीजन एक सल्फर, एक ऑक्सीजन एक सल्फर, सॉरी एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, OH OH जोड़ दो. यहाँ पर ओवरऑल एन फैक्टर इसका 2 आएगा. क्यों 2 आएगा, सॉरी एन फैक्टर इसका 2 आएगा क्योंकि यहाँ पर दो ही हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़े हैं. अब हमें गाइस अगर हमें यहाँ पर बताना होगा कि कभी कभी पूछ रहा था कि यहाँ पर सल्फर का ये कितना है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सल्फर का है प्लस 4. अगर हमें पता लगाना है कि सल्फर का कैसे प्लस 4 आ रहा है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है वो देख लो. अगर कोई भी अगर कभी भी सल्फर अपने साथ कोई बॉन्ड बना रहा है तो हम उसे नहीं मानेंगे. लेकिन यहाँ पर देखो एक बॉन्ड ऑक्सीजन, एक बॉन्ड ऑक्सीजन, एक बार ये, एक बार ये, टोटल 4 बना रहा, तो हम बोल देते हैं प्लस 4. फिर अभी अगर हम चलते हैं नेक्स्ट में सेकेंड नंबर पे जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड. सबको पता होता है इसका फॉर्मूला H2SO4 H2SO4 और इसका स्ट्रक्चर S लो, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन से दो ही है, इसलिए हम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का 2 बनाएंगे और उसे लेके ऐसे जोड़ देंगे यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आ जाएगा सल्फर के ऊपर. लेकिन इसका ओवरऑल एन फैक्टर 2 ही रहेगा. अभी हमारा जा रहा है नंबर 3. थर्ड नंबर पे हमारा है कैरोस एसिड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक लिटरली इसको हम इसलिए कैपिटल लेटर में लिखते हैं. ये जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं. अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो इसके ऊपर ज्यादा आते हैं. कैरोस एसिड इसका फॉर्मूला है H2SO5. यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का 5 ऑक्सीजन है लेकिन सल्फर एक ही है. सल्फर हमने एक लिया, मैक्सिमम हम क्या करेंगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ 2 बना देंगे. अभी भी 3 ऑक्सीजन बचे हैं. यहाँ पर एक हम चलो एक OH लगा दिया और बाकी के भी 2 ऑक्सीजन का क्या करें, तो हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को एक साथ जोड़ देते हैं और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देते हैं और इसी को बोलते हैं परॉक्सी बॉन्ड. देखिए यहाँ पर सल्फर में ये है परॉक्सी लिंकेज या परॉक्सी बॉन्ड, कुछ भी बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश. और इसका एन फैक्टर कितना हो जाता है 2 और यहाँ पर सल्फर के ऊपर कितना हो जाता है प्लस 6. ठीक है, नंबर 4 में हम चलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड. इसका जो फॉर्मूला है वो है H2S2O3. जब भी थाया होता है तो 2 सल्फर आ जाते हैं इसलिए थाया हो जाता है. यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका OH OH डबल बॉन्ड O. अब गैस इसमें आप बताइए कि सल्फर का इंडिविजुअल कितना एन फैक्टर है, तो यहाँ पर एन फैक्टर हो जाएगा प्लस 6. नहीं गाइज ये बिल्कुल गलत है, प्लस 6 एन फैक्टर नहीं होगा. इसका ट्रिक मैंने क्या बताया था, हमें काउंट करना है कितना बॉन्ड बना रहा है 1 2 3 4, लेकिन जो खुद के साथ जो बॉन्ड बना रहा है उससे हम एन फैक्टर में काउंट नहीं करेंगे. तो इसका आ जाएगा प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट. इसे हम रब कर देते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही रखते हैं. तो इसका एन फैक्टर आ जाता है प्लस 4 और ओवरऑल जो इसका एन फैक्टर है वो आता है 2. तो इसका एन फैक्टर आ जाएगा प्लस 4 और ओवरऑल एन फैक्टर आ जाएगा 2. अभी हम चलते हैं गाइस नंबर 5 में.
नंबर फाइव में हमारा है डाइथायोनस एसिड, डाइथायोनस एसिड। ये इसका फॉर्मूला गाइस हमारा आता है, इसका फॉर्मूला है H2S2O4। और इसका स्ट्रक्चर भी, यहाँ पर भी दो सल्फर है तो दो सल्फर बना दो, दोनों को एक एक डबल बॉन्ड दे दो, एक OH इसका गया, एक OH इसका गया, यहाँ पर N फैक्टर आ जाएगा दो। लेकिन सल्फर का इंडिविजुअल N फैक्टर कितना आएगा ये भी देखिए, ये भी एक नया टाइप का सल्फर का इंडिविजुअल आ जाएगा, एक दो तीन चार, नहीं इसको हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ चार ही काउंट करेंगे, इसीलिए इसीलिए ये आ जाएगा प्लस थ्री, सल्फर का इंडिविजुअल का इन्फेक्टर। सो गाइस हमारा नंबर सिक्स है पायरोसल्फ्यूरस एसिड। पायरोसल्फ्यूरस, हमने कैरोस एसिड पढ़ा था, उसके बाद पायरोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड, इसका फॉर्मूला है H2S2O5। तो देखो यहाँ पर क्या पायरो आ गया है, और ये एक इम्पोर्टेंट, इसका स्ट्रक्चर अगर आप नहीं निकालेंगे तो आपका एन फैक्टर में कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है। अगर आप इसको मतलब ओल्ड मेथड से देखें तो यहाँ पर क्या 5 2 जो 10 और -2, तो यहाँ पर +4 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर में एक इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन दोनों के बीच में आ जा रहा है, एक बीच में ऑक्सीजन डाल दो, दोनों में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये डाल दो, OH यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। अब गाइस देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल इस सल्फर में +4, इसमें है +6, ठीक है, लेकिन ओवरऑल इसका एन फैक्टर इसका भी 2 ही रहेगा, ठीक है। अभी इसके बाद हमारा नंबर सेवेंथ है डाइथायोनिक एसिड। डाइथायोनिक एसिड का फॉर्मूला है H2S2O6, एक सेकेंड, H2S2O6। और इसका जो हम लिखते हैं अभी स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, ऊपर नीचे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर एक OH, इसका आ जाएगा इंडिविजुअल +5, इसका भी आ जाएगा इंडिविजुअल +5, ओवरऑल एन फैक्टर आ जाएगा 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं गाइस नंबर 8 में। नंबर 8 में हमारा है ओलियम। इसको अगर हम देखें तो ओलियम को हम एक्चुअली ऐसे भी बोलते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, नंबर 8 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हम बोलते हैं ओलियम, कॉमन नेम बोल सकते हैं ओलियम। इसका फॉर्मूला है H2S2O7, और इसका स्ट्रक्चर में भी बीच में एक ऑक्सीजन आ जाता है, ऐसे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो ये बनाया था ये वाला एसिड, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं लगाया था, लेकिन इस वाले में हम इधर भी डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन बहुत है, कोई कमी नहीं ऑक्सीजन की, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन यूज हो चुका है और 2 बचा है, दोनों में लगा दो एक एक OH, यहाँ पर इसका एन फैक्टर ओवरऑल हो जाएगा 2, इंडिविजुअल यहाँ पर +6, यहाँ पर भी +6, यहाँ पर इंडिविजुअल एक का +6 था, एक का +4 था, लेकिन यहाँ पर दोनों का +6 आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा 9th नंबर एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड। और इसको अगर हम एकदम हाईलाइट कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसका जो फॉर्मूला है वो है H2S2O8। यहाँ पर गाइस ऑक्सीजन देखो, अगर आप थोड़ा सा अगर हम बुद्धि लगाएं, यहाँ पर दो सल्फर जोड़ दिए, मैक्स टू मैक्स हम इन दोनों को एक एक दो दो ऑक्सीजन दे दिए, एक ये यहाँ पर भी ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक OH, अभी भी हमारे पास दो ऑक्सीजन बच रहा है, इन दो ऑक्सीजन को हम क्या, इन दोनों को हमें एक एक ऑक्सीजन देना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन, लेकिन हम यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के होते हैं, वो अपना मतलब वैलेंसी हो चुका है उसका पूरा, और वो और एक बॉन्ड नहीं बना सकते, तो हम इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड लगा देंगे, तो ये एक फुल ऑन पूरा एक मार्शल्स एसिड बन जाएगा। और यहाँ पर इसका इंडिविजुअल आ जाता है +6, इंडिविजुअल +6, ओवरऑल इसका इन फैक्टर 2 रहता है, ठीक है।
उसके बाद हमारा आता है, लेकिन हाँ मार्शल्स एसिड का अगर ये कभी कभार क्या करते हैं जो नॉर्मल नेम होता है वो भी दे देते हैं, तो इसको एक्चुअल नाम है क्या है, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और हाँ हम लोगों ने जो कैरोल एसिड पढ़ा था उसका भी आप ये नाम याद रख लीजिए, जो कॉमन नाम जो दे देते हैं उसका कॉमन नाम होता है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। जहां भी पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में ऑक्सिल परऑक्सी लिंकेज है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर में दो ही जगह परऑक्सी लिंकेज आती है, एक कैरोल एसिड में एक मार्शल एसिड में। यह आ जाएगा पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर भी हमारा परऑक्सी लिंकेज ये रहा, मार्क कर देते हैं। यहाँ पर परऑक्सो डाई है, वहां पर मोनो है, ठीक है, परऑक्सी लिंकेज। आप इसे साथ साथ अच्छे हैंड राइटिंग में लिख लीजिएगा, मेरे हैंड राइटिंग क्योंकि टैब में लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा थोड़ा खराब हो सकता है, बट प्लीज गाइस मैनेज इट। ये लीजिए नंबर 10th और ये लास्ट है, इसे हम बोलते हैं थायोनिक एसिड, थायोनिक एसिड, और इसका फॉर्मूला है H2SN+2O6। ये एक्चुअली ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, इट एग्जिस्ट एट टेट्राथायोनिक एसिड वेर एस वेर एन इज इक्वल्स टू 4, आई मीन सॉरी एन इज इक्वल्स टू 2, एन इज नॉट इज इक्वल्स टू 4, एन इज इक्वल्स टू 2, आई एम सॉरी, टोटल चार सल्फर है, एन इज 2, यहाँ पर इसका फॉर्मूला आता है H2S4O6। इसका एक्चुअल अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा SN डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल ऑक्सीजन, डबल ऑक्सीजन, एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर। तो इसी तरह अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पर SN था तो यहाँ पर 2 S है, N इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर चार सल्फर हो जाएगा, इसलिए टेट्राथायोनिक बोलते हैं। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, चार डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH, एक OH। तो यहाँ पर भी टोटल N फैक्टर तो यहाँ पर भी 2 रहेगा, लेकिन इसका इंडिविजुअल प्लस 5 आ जाएगा, इसका इंडिविजुअल तो इसका तो 0, इसका भी 0, इसका प्लस 5, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। टोटल हमारे 10 के 10 ये हो गए। अगर एक बार हम फिर से देख सकते हैं, नंबर 1 सल्फ्यूरस एसिड, 2 एन फैक्टर, सबका आप अगर देखेंगे जितना भी हम लोगों ने अब तक किया है 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबका एक कॉमन हमने पता चला कि सल्फर का मतलब ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर सबका एन फैक्टर इज इक्वल्स टू 2 ही है, लेकिन इंडिविजुअल सल्फर का अगर हमें निकालने आ जाए तो हमें स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे बताइएगा, मैं और ऐसे वीडियोज बनाऊंगा। और 15 मिनट में हम लोगों ने पूरा का पूरा ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर कर लिया विद ऑल द स्ट्रक्चर्स एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। So I hope you like this video. Please don't forget to subscribe to my channel. If you are new, please don't also forget to press the bell icon. I hope you like this video and we'll meet you soon.